हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम 2023 यानी कि दिसंबर में जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि फॉर्म्स उसके आउट हो चुके हैं, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 30 सितंबर को जो है वो आ गए थे। लास्ट डेट ही अगर बात की जाए तो 29 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो 29 अक्टूबर से पहले फॉर्म भर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते वक्त, तो आपकी करेक्शन विंडो जो है वो 30 और 31 अक्टूबर को ओपन रहेगी। तो वहाँ पर अगर आपकी कुछ गलती है तो वहाँ पर जाके आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई आपकी जो एग्जाम सिटी है, क्योंकि अभी आपसे जो है एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस भरवाई गई है, तो एग्जाम सिटी आपको कब पता चलेगी, तो लास्ट ऑफ नवंबर आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सी सिटी के अंदर आया है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम डेट अगर जो आपकी आई है, एग्जाम डेट जो है वो आपकी 6 दिसंबर से आपकी एग्जाम जो है वो शुरू हो जाएंगे, अप टू 18 तक है, 18 तक आपके चलेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपका है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, इस ड्यूरिंग आपका जो है वो एग्जाम रहेगा। तो कुल मिला के 6 से 18 के बीच में आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस जनरल और अनरिजर्व के लिए 1150 रुपए है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 600 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 325 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, और जो थर्ड जेंडर है उनको भी 325 रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हो तो ये आपकी जो है वो फीस रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई अगर आपका मास्टर हो चुका है या आप मास्टर कर रहे हो, तो अगर आप कर रहे हो तो भी आप फॉर्म जो है पेपर दे सकते हो, ठीक है, ताकि आप एक कॉलेज में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ क्लियर करके आप अपना फर्दर जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सको, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जो है डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई नेट करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं, जेआरएफ करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी, तो अगर आपको जो है एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जेआरएफ के लिए अगर आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए, मेल के लिए जो है 30 इयर्स है, और बाकी जो है बाकी फीमेल और जो आपके अदर कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। तो अगर आपको और एक्स्ट्रा डिटेल जानना है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी बच्चा नेट की तैयारी कर रहा है, किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, वो हमारे एनएस क्लासेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।